तो किसानों के पास वो घर में प्रोडक्ट आ गया, जब छोटा छोटा नरमा था तो किसानों ने उसी पे ही शुरू कर दिया, और वाइट फ्लाई मरनी शुरू होगी, वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन कम होने लगी, तो जो 75 दिन में अंडे देती थी वो 7-7 दिन में अंडे देने शुरू कर दिए उसने। आपने पत्ते के पीछे देखा होगा मगरमच्छ सा छोटा सा, कि वहाँ पे आप लोगों ने यूरिया ज़्यादा डाल दी, DAP ज़्यादा डाल दी, पानी ज़्यादा लगा दिया, उससे क्या हुआ, उसमें आफरा सा आ गया, बीच में एक्सेस पदार्थ सा निकालना पड़ेगा, तेलो चेपो सुवारे, वो पदार्थ जब निकालता है तो वो स्मेल छोड़ रहा है, तो तब वो तेले को बुलाता है, आ जा भाई रस चूस मेरा। पौधे को ये जिम्मेवारी का एहसास है कि मैंने फल बना के जाना है, जब कभी पानी की कमी आती है तो पौधा फल की तरफ क्यों जाता है, क्यों जाता है वो, उसको ये पता है कि मुझे जाना है, मुझे फल बनाने की, उसको घर गृहस्थी की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई। प्रकृति से आप कब से 15 साल हो गए सुंडी को संघर्ष करते हुए, समझे मेरी बात को, अब जैसे मौका मिलेगा तो एक बार तो हावी होएगी, कोई भी हो जाए, ये हो जाए, एलियोथिस हो जाए, कोई और हो जाए, समझ गए, जिस साइंटिस्ट ने तैयार किया था उसको पहले से पता था कि भी इस तरह से ये समस्या आएगी, इसलिए उसने उसी समय बोला था। आपको एक उदाहरण दे, जैसे अपने वाइट फ्लाई जब अटैक शुरू होता है तो 2013 या 2014 की बात है, पंजाब के अंदर बायर कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट दिया था ओबेरन के नाम से, अच्छा प्रोडक्ट था, और वो वहाँ के कृषि मंत्री को समझाने में कामयाब हो गए कि ये निफ को कंट्रोल करता है, एग को कंट्रोल करता है, इस तरह से रस चूसने में रोकता है तो मारता भी है। उसके लाइफ साइकिल के बारे में बताया तो उसने कहा जी ठीक है ये हम इसको सभी लोगों को दे देंगे, उसने सब्सिडी पे सभी लोगों को दे दिया, तो किसानों के पास वो घर में प्रोडक्ट आ गया, जब छोटा छोटा नरमा था तो किसानों ने उसी पे ही शुरू कर दिया, और वाइट फ्लाई मरनी शुरू होगी, वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन कम होने लगी, तो जो 75 दिन में अंडे देती थी वो 7-7 दिन में अंडे देने शुरू कर दिए उसने, समझिए 7 दिन बाद में अंडे दे, 7 दिन बाद में, क्योंकि एक पीढ़ी वाइट फ्लाई की क्रॉस होने के बाद 3 पीढ़ी चलती है, तो उसने 7-7 दिन में अंडे दिए, तो इतनी वाइट फ्लाई इस रूप में आई कि वो दवाई का काम करना ही बंद हो गया, और आपको पता होगा उस साल शोर शराबा हुआ और उस कृषि मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि आप प्रकृति से भिड़ नहीं सकते। जब आप कभी दुकान पे जाते हैं तो आपको ये कोशिश कहता है ना कि यार एक बार हल्की कर ले, बाद में कुछ दूसरी कर लेना, तीसरी कर लेना, कहते हैं ना, आप कई बार जिद करते नहीं नहीं मान तो वो दे दे, तो कहने का मतलब वही चीज़ हुई आपके सामने कि अगर आप ये सोचें कि भाई हमें तो ऐसा कोई बीज दे दो आप कि हमारे खेत में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको 10-12-15 साल का रिलीफ मिला था, आप ये समझे कि आपको सीखने का मौका मिला है, और आप ये समझो उस समय भी कृषि विभाग ने 20-22 साल पहले आपको कोशिश करी थी कि आपको पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया जाए, जब आपको पहले उस समय ट्रैप के बारे में या कोई बीच में वो पकड़ने वाले इस तरह के वो बताते थे, है ध्यान थोड़ा थोड़ा मैनेजमेंट का, इंडिकेटर पेस्ट मैनेजमेंट की बात सुनी होगी पहले, करी थी ना, पर हम लोगों ने उसको नेगेटिविटी में फेंक दिया, बोलो यूँ क्यों है, क्यों आपके पास हथियार था ना, आप सोच रहे थे बंदूक है अपने पास, अपने का डर है, तो उसी वजह से हम लोगों ने उसको चलाया और फेल हुए, बीटी आया और सारे काम हुए, वो पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, समझिए मेरी बात को। प्रकृति का एक कीट बनाया, उसने चार रूप क्यों बनाए, क्यों बनाए चार रूप, आप उसी को टारगेट क्यों कर रहे हो, जो लार्वा स्टेज है मौके पे चूस रहा है या खा रहा है उसी को टारगेट कर रहे हो आप, क्योंकि आपकी आंखों के सामने कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपसे सहन नहीं हो रहा, यही बात है ना, फिर किसान वाली बात तो नहीं है, सकारात्मकता वाली बात तो नहीं है। आप उसको चाहें तो पहले अडल्ट को रोक सकते हैं ना, आप पहले उसको मैटिंग करता है उस समय रोक सकते हैं, ये नीम की स्प्रे की बात क्यों आती है कि वो अंडे देने से रोक देता है उसको, ठीक है, अंडे को बढ़ने से रोक देता है, इसी तरह लार्वा स्टेज पे काम कर रस चूसने से रोक देता है, इसी तरह लास्ट में प्यूपा उसको रोक देता है, और वो पेस्ट मैनेजमेंट चार रूप बनाए तो उसके भी चारों, जैसे क्राइसोपा है उसका लार्वा अलग काम कर रहा है, वो अलग काम कर रहा है। आपने पत्ते के पीछे देखा होगा मगरमच्छ सा छोटा सा, छोटे से रूप में देखा है, वो उसका लार्वा है, उसको खाते हुए देखा आगे अंडों को खाते हुए। प्रकृति ने जितने कीट बनाए आपको अभी 2-4-5 जानने लगोगे, 100 कितने कीट हैं जो आपके पक्ष में काम करते हैं, और ये जो कीट है इनका भी मतलब है, चाहे अपने सफेद मच्छर की बात करें चाहे रेतेले की बात करें, आप सोचो भी सफेद मच्छर ना हो, हरा तेला ना हो तो नरमा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, हरा तेले की भी जरूरत है। जो अपने सकारात्मक बात करी है उसका मतलब क्या है, भी कोई कीट आया तो इसका मतलब है वो क्यों आया आपके खेत में, इसलिए आया
कि वहाँ पे आप लोगों ने यूरिया ज़्यादा डाल दी, डीएपी ज़्यादा डाल दी, पानी ज़्यादा लगा दिया, उससे क्या हुआ, उसमें आफरस आ गया, बीच में एक्सेस पदार्थ सा निकाल रहा पड़ेगा, तेलो चेपो सुवारे, वो पदार्थ जब निकालता है तो वो स्मेल छोड़ रहा है, तो तब वो तेले को बुलाता है, आ जा भाई रस चूस मेरा, तो वो तेला आके उसे रिलीफ देता है, नहीं तो हम तो अपना काम करके आ गए, समझे मेरी बात को। उसको बैलेंस किसने बनाया, उसी वाइट फ्लाई ने बनाया। आप यूरिया के पीछे इतने क्यों पड़े हो, यूरिया के, आपके वायुमंडल के अंदर 78% यूरिया है, जो पौधे आपकी नज़रों के बगैर खड़े हैं, जिनको आप नहीं संभाल पा रहे, वो कैसे खड़े हैं, खड़े हैं ना, आपके खेत में नरमा कपास डाणी में खड़ा होगा, आपके कोई इस तरह के कोई पौधे और खड़े होंगे, सरसों गेहूं के पौधे देखे होंगे आपने, कभी कोई शिकायत करी क्या उन्होंने भी, एक पानी मुझे और लगना चाहिए था, या मुझे एक थोड़ी सी यूरिया और चाहिए थी, कभी कोई शिकायत करी उन्होंने। आप लोग कहते हो ना वो एक स्प्रे मारगी, माने कई बार कहते हो ना एक और कर दी, एक पानी और करते हो ना आप, हाँ, और उन्होंने कोई शिकायत करी क्या भी, एक पानी और लग जाता तो नरमो हो जानते, कभी भी कोई बताओ आप, या बिना फल के बताओ आप, ये जरूर बताना कि हमारा नरमे का पौधा है, हमने पानी नहीं लगाया, उसको संभाला नहीं था और वो सूख गया, ऐसा एक ही बता देना उदाहरण। आप कहते हो ना भी पानी नहीं था हमारे पास, यूरिया नहीं थी, स्प्रे नहीं कर पाए, एक कम आ गई, तो आप ये बताना कि आपने इस तरह के कोई पौधा देखा हो और अपने उसको ढूंढ रहे हैं कि वो पौधा आप बिना फल के रह गया हो। देखो सकारात्मकता का मतलब, सकारात्मकता का मतलब ये है कि पौधा समझता है कि मैंने मेरा फल बना के जाना है, सुनो मेरी बात को, पौधा ये समझता है कि मैंने मेरा फल बना के जाना है, पौधे को ये जिम्मेवारी का एहसास है कि मैंने फल बना के जाना है। जब कभी पानी की कमी आती है तो पौधा फल की तरफ क्यों जाता है, क्यों जाता है वो, उसको ये पता है कि मुझे जाना है, मुझे फल बनाने की उसको घर गृहस्थी की जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई, समझ गए मेरी बात को। जब वो समझता है तो फिर आप क्यों नहीं समझते, तो जो हमने देखो जिसकी जिम्मेवारी हमने ले रखी है, जिन फसल की, जिन पौधों की, वो तो शिकायत करेंगे, सुन लो मेरी बात को। आपने चाहे बाग लगा रखे हैं, चाहे नरमे कपास के पौधे लगा रखे हैं, जिसने जो आपने जिम्मेवारी ले रखी है वो शिकायत कर रहे हैं, जिन्होंने जो आपने जिम्मेवारी के बगैर छोड़ रखे हैं, मैं बात उसकी कर रहा हूँ, जो आपकी आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ गए, नहीं आपकी नजरों में नहीं है, आप उसकी बात करें। देखो ऐसे ही है, हम कह जरूर रहे हैं कि हम देखभाल कर रहे हैं, पर एक्चुअल के अंदर प्रकृति देखभाल कर रही है, हम प्रकृति का ध्यान कर लें, बस इतनी सी बात है। आप प्रकृति की देखभाल कर लेंगे तो प्रकृति अपने आप उसकी देखभाल कर लेगी। कहने का मतलब जितने बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं जमीन के अंदर, अगर हम उनको पालना शुरू कर दें, आप ये देखो कि मिट्टी के अंदर एक चम्मच के अंदर करोड़ों जीव थे, अब नहीं है उतने, वो जीव क्या करते थे, वायुमंडल से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते थे, फास्फोरस वाला काम करते थे, इसके अलावा बहुत सारे जो वर्म्स केंचुए हैं वो मिट्टी को पलटते थे, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच फुट से मिट्टी लेके आते थे अंदर, जब वो मिट्टी पलटते थे तो आपको बड़े ट्रैक्टर की जरूरत थी क्या, ना तो आपको बड़े ट्रैक्टर की जरूरत थी, ना आपको ज़्यादा पानी की जरूरत थी, पानी सोचने की क्षमता जैसे गद्दे में वैसे ही थी उसके अंदर, और वो जीव आपका वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके दे रहे थे और फास्फोरस को पैदा करके दे रहे थे, पुरानी पत्तियाँ पड़ी थी उसकी पोटास बना रहे थे, सल्फर बना रहे थे, वो सारे काम कर रहे थे खुद, सारे काम वो खुद कर रहे थे। इसलिए जब हम अपने बीच में अपने प्रोग्राम शुरू कर देते अपने तरीके से, तो वो धीरे धीरे साइलेंट हो गए, एक सख्त परत बन गई, समझ गए, जिसको हम तोड़ ही नहीं पा रहे। कई बार तो हम ट्रैक्टर ज़्यादा गहरा ट्रैक्टर अपने को हैवी ट्रैक्टर चाहिए, कई बार हमें पानी ज़्यादा चाहिए, कई बार हमें फर्टिलाइजर ज़्यादा चाहिए, कई बार हमारी फसल की जड़ गहरी नहीं जा रही, नरमा गिर रहा है, तो ये सारी बातें उसी का ही कारण है, ठीक है। उधर से हमने पेस्ट मैनेजमेंट को, जब सबसे पहले हमने पेस्ट मैनेजमेंट को सीखने की कोशिश नहीं करी, ना तो हमने वातावरण के पेस्ट मैनेजमेंट को सीखने की कोशिश करी, ना हमने मिट्टी को समझा, और हमने तो अपने ऊपर टैग लगा लिया किसान का, उन बेचारे किसानों को बदनाम करने का जो वास्तव में किसान है, समझे मेरी बात को। और उसी से हम आजकल हमारा ध्यान सब्सिडी की तरफ ज्यादा जाएगा, जबकि किसान का पहला काम ही है प्रकृति के साथ मिलके दूसरे को पालने की बात। अपने कई बार बुजुर्ग कहते थे ना कि फसल मालिक जो धनी को पहचान लेती है, फसल कहते थे ना भी धनी
को पहचानती है फसल, धनी राउन लगा। तो हम धनी बने हैं क्या, मालिक बने हैं क्या? पहले तो अपने आप से पूछो, हमारी सोच मालिक वाली है क्या? अगर हमारी सोच मालिक वाली है तो आप निश्चित तौर पे खेत में जाएंगे तो फसल पहचान लेंगे। बस इसी से ही फर्क पड़ता है, सबसे ज़्यादा इसी बात से ही फर्क पड़ता है। आप जब तक अपनी सकारात्मकता सोच नहीं रखेंगे और किसी काम के प्रति जवाबदेह नहीं है, मान लीजिए कोई काम आपको सौंपा गया है, आपको अनाज पैदा करने का काम सौंपा गया है, वही आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे, अच्छा अनाज नहीं पैदा कर पा रहे, तो प्रकृति आपको सहयोग देने वाली नहीं है, उससे आपका संबंध जुड़ेगा नहीं। किसी जीव जंतु को देखा है जो कोई डिसिप्लिन ना हो? किसी जीव जंतु को देखा है आपने जो अपने नियमों पे नहीं चल रहा? कुछ चिंती किसी चीज को देखा रास्ते में बैठी खा रही है, मुंह में लेके चल रही है ना, मुंह के अंदर खा भी तो सकती है। सब अपने डिसिप्लिन के अंदर, हमारे में ही प्रॉब्लम है। और ये कोई जानबूझ के नहीं हो रहा, आप लोग कोई जानबूझ के नहीं कर रहे ऐसा, जैसे हम देखा देखी की खेती कर रहे हैं दूसरे को देख के, वो खेती से ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, एक इसमें सबसे बड़ी बात हो रहा है, किसान जब कोई एक फसल की बात करता है तो वो एक फसल कोई कमजोर रह जाती है किसी कारण से, किसान उसी की चर्चा ज्यादा क्यों करता है? आपके फसल कोई मूंग लगाए, आपके अच्छे नहीं हुए, आप उसी की चर्चा क्यों कर रहे हो? बोलो खाली रह गया, मैं फाड़ तो मार दी। आप ये नहीं सोच रहे फसलें चार और छह फसलों का जोड़ लगाओ, आप खेत तो वही है ना, आप उसी के उसी फसल का बलिदान है कि वो आगे वाली ज्यादा हो रही है, और जिसमें अच्छी फसल हुई है तो आगे वाली निश्चित कमजोर होगी। अगर आप जमीन भूमि को प्रकृति को समझ के चल रहे हैं तो आपको उस फसल की बात ही नहीं करेंगे आप, ये कमजोर थी। आप ये समझ लेंगे कि मिट्टी को दे दिया, इसको देना था, भूमि को इतना देना था मैंने। आप जो आपके अंदर सबसे बड़ी बात है, आपको 22 साल लग गए कृषि विभाग को समझाने में, आपको डिग्गी नहीं समझ में आई? हाँ जी, आप अंदर से झांक के नहीं देखते क्या? ये 22 साल आपको डिग्गी समझाने में लग गए, कितनी की बात थी दिमाग में ये बात थी? बोले बिग रोंद के छोड़ देंगे, 10 लाख एक उन दिया हुआ पाने, आई बात है ना अंदर की? बोले तो 2-3 ये कौन आप? हाँ, अब तो निरे कांड नहीं है, आपको पता लग गया अभी 10 लाख। तो कहने का मतलब जब ये लालच दिमाग के अंदर है तो आपको कौन समझा लेगा बताओ? आप समझा लेगा कोई आपको? तो ये किसान की छोटी डिग्री नहीं होती, किसान को छोटी चीज नहीं होता, मौसम को, मिट्टी को, तापमान, हवा, नमी को, प्रकृति को समझना हर कोई आदमी नहीं समझ सकता, समझिए मेरी बात को। और ये छोटी डिग्री नहीं, आप थोड़ा सा यही कहने की बात है कि आप जैसे अपने कोई भी ज्ञान हम अपने उन अधूरे हैं थोड़े से, और सरदार जी भी अगर ऐसी बात करते हैं जो खालसा पंथ से समझने वाले गुरु ग्रंथ साहब, तो फिर मैं दूसरों से उम्मीद क्या करूँ, समझिए मेरी बात को। तो कहने का मतलब है इस लालचवश के अंदर आपको कुछ नहीं दिखने वाला, समझिए मेरी बात को। जब आपके अंदर कुछ और चल रहा है ना तो आपको कोई समझा नहीं सकता, फर्क इस चीज का है कि जब आप, मैंने पहली बात ये कही कि आप सकारात्मकता की तरफ चलें, हम उस नियमित भाव से जो अनाज चीज पैदा करने जा रहे हैं, हमें हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए, काम के प्रति जवाबदेही भी, ये जो है हमें प्रकृति को जवाब देना। आप अपने जवाब तय कर दें कि मुझे ये चीज अनाज पैदा कर रहा हूं तो ये मेरा अनाज अच्छा पैदा होना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बात को सुना ध्यान से, और उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप इसके अंदर बदलाव भी लेके आएंगे। सभी लोगों का धन्यवाद।